आज हम आलू साबुदाना फ्राई बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर चार पांच आलू लिए हैं मैंने, उसे ऐसे छील दिया है, उसका छिलका उतार दिया है। ये कच्चे आलू हैं। अब यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे, पहले ऐसे आधा काट लेंगे और फिर इस तरह से ऐसे पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को ऐसे पीसेस में कट कर दिया है और धोकर यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर मिक्सर पॉट लेंगे, मिक्सर पॉट में डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्चियाँ, हरा धनिया, लहसुन डाल देंगे 9-10 कलियाँ। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही, दही मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक और इसमें डाल देंगे भुजिया सेव, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें 3 मिर्चियाँ डाल देंगे, सूखी सूखी मिर्चियाँ डाल देंगे। अब यहाँ पर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दिए, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी साबुदाना। तो यहाँ पर साबुदाना को हल्का हल्का भून लेंगे। यहाँ पर साबुदाना मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। अब यहाँ पर इसे भून लेंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम ना धीमी है और धीमी आँच पर ही भुनना है और लगातार चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो साबुदाना जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने लगातार चम्मच चला के इसे भून लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भूनेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा साबुदाना यहाँ पर भूनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी शेंगदाना। शेंगदाना को भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप फुटाना भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने शेंगदाना डाल दिया है, इसे धीमी आंच पर हम भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत बढ़िया है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप ऐसे बनाकर भी रख सकते हैं और फिर जब जी चाहे मन चाहे तो इसे फ्राई कर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेंगदाना हमारा रोस्ट हो चुका है, भुन चुका है। यहाँ पर इसे निकाल लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे और यहाँ पर ये मिक्सर पॉट में डाल देंगे। तो यहाँ पर साबुदाना डाल दिया है, अब शेंगदाना डाल देंगे। इसे महीन सा हम पीसेंगे। तो यहाँ पर देखिए महीन मैंने पीस लिया है। गैस पर रख देंगे पानी, इसमें डाल देंगे नमक और इसे उबाल आने देंगे। अब इसमें डाल देंगे आलू जो स्लाइस में काटे थे ना, वो डाल देंगे। यहाँ पर डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पर कर देंगे मिक्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे मिक्स करने के बाद में इसे 2 से 3 उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर उबाल आने के बाद इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल दिया है। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, इसमें ये डाल देंगे। अब डालने के बाद में जो चटनी थी ना, वो डाल देंगे दही और मिर्ची की। पहले थोड़ी डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर बाद में और डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया कलर आया इसका। यहाँ पर मैंने और थोड़ी सी चटनी डाल दी थी, तो यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें आलू को लग चुकी हैं, मसाला लग चुका है। अब इसमें डाल देंगे नमक, इसमें डाल देंगे अजवाइन 1 चम्मच। यहाँ पर कर देंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने सेंगदाना और साबुदाना का पाउडर यहाँ पर प्लेट में डाल दिया है। अब यहाँ पर एक स्लाइस लेके, आलू की स्लाइस लेके ऐसे कोट कर देंगे साबुदाना और शेंगदाना में। इस तरह से कोट कर लिया है, तो सारे स्लाइस को ऐसे कोट कर देना है इस तरह से। बहुत बढ़िया रेसिपी है ये। अब यहाँ पर इसे कोट करने के बाद में 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर इसे फ्राई कर लेंगे 10 मिनट के बाद में। अब यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है, यहाँ पर एक एक करके डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पर इसे पलटाएंगे नहीं, अभी ऐसे सेट होने देंगे। यहाँ पर मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर धीमी आंच पर इसे पकाया है। तो एक साइड से पक चुके हैं, अब इसे पलटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पलटा दिया है। बहुत ही क्रिस्पी एंड कुरकुरे लगते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट लगते हैं। यहाँ पर देखिए
एक साइड से पक चुके हैं, दूसरी साइड से पकना बाकी है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप दही की चटनी के साथ में, हरी चटनी के साथ में या सॉस के साथ में खा सकते हैं। यहाँ पर एक साइड से हो चुके हैं और इसका धीरे धीरे कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बैच रेडी हो चुका है। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे, हमारे आलू साबूदाना के पकोड़े भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ये जो साबूदाना है ना, इसे निकाल लेंगे। ऐसा ना करते हुए आप ये तेल को छान भी सकते हैं। अब यहाँ पर ऑयल को फिर से अच्छे से गरम कर लेंगे। अब यहाँ पर गरम तेल में डाल दिया है, ठंडा हो जाता है तो फिर से गरम कर लिया एक बैच निकालने के बाद में। अब यहाँ पर डाल देंगे और फिर गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी, इसी प्रोसेस से पकाना है। अब यहाँ पर ये जो बच गया है ना, आलू का मसाला और ये साबूदाना, इसको दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसके पकोड़े बनाएंगे। ये वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरी डिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आलू साबूदाना फ्राई रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया है, इसे आप बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर रख सकते हैं और जब मन चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं।